हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली आयुष इलेक्टिव कोर्स का रिजल्ट आ चुका है। जो बैच थी 2022-23 का, उसका रिजल्ट अनाउंसमेंट हो चुका है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका वेबसाइट खोलते हैं और वेबसाइट खोलने के बाद हम चेक करेंगे इसका रिजल्ट क्या आया है। तो वेबसाइट काफ़ी स्लो है और ये खुलने में थोड़ी टाइम ले रहा है। तो सबसे ये वेबसाइट खुलने के बाद हम लोग साइन इन पे क्लिक करेंगे और साइन इन पे क्लिक करने के बाद हम लोग कैटेगरी में स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे और फिर अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालेंगे। तो हमारा पहले से ईमेल आईडी और पासवर्ड सेव था, तो डालने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटिक फिल हो गया। और फिर हम यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद हम लोग साइन इन पे क्लिक करेंगे। तो वेबसाइट काफ़ी स्लो है, काफ़ी टाइम लग रहा है खुलने में और ये खुल गया है हमारा। उसके बाद हम लोग सबसे पहले यहाँ पे इलेक्टिव पे क्लिक करने के बाद हम लोग इलेक्टिव कोर्स पे क्लिक करेंगे, फिर एनरोल इलेक्टिव कोर्स पे वहाँ पे क्लिक करने के बाद जो इंटरफेस खुलेगा, फिर आगे देखते हैं क्या बताता है। तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुला और उसके बाद हम लोग माई कोर्स पे क्लिक करेंगे। और माई कोर्स पे क्लिक करते ही जो आपका इलेक्टिव कोर्स है, जो 3 इलेक्टिव कोर्स होगा, वहाँ पर ये शो होने लगेगा। तो आपका देखिए यहाँ पर शो हो रहा है व्यू रिपोर्ट्स सारे सब्जेक्ट का, और नीचे सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड होगा। और व्यू रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो आप रिजल्ट देख सकते हैं, मार्क्स कितने मार्क्स हैं। अभी तक रिजल्ट ओपन नहीं हो रहा है, काफ़ी टाइम लग रहा है, लेकिन हम लोग वेट। तो उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुला और यहाँ पे अभी लोडिंग ले रहा है। और फाइनली रिजल्ट चेक करने का ऑप्शन आ गया और यहाँ पे बेसिक ऑफ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं। अब एक क्लिक करने के बाद आर यू सी और वांट टू व्यू रिजल्ट पे, और यहाँ पे क्लिक करेंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे, आपका मार्क्स शो होने लगेगा। वेबसाइट काफ़ी स्लो है, इसके कारण काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो आप लोग इस तरह से आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। एक एक स्टेप हमने इसमें क्लियर बताया और यहाँ पे देखिए वेबसाइट डाउन है और नो रिस्पॉन्स दिखा रहा है। तो आप लोग इस तरह से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।